दुर्गा भवानी मात की जय। माँ के नौ रूपों में चतुर्थ दिवस जिस स्वरूप का हम ध्यान करते हैं उस माँ को हम कुष्मांडा के नाम से जानते हैं। कुष्मांडा देवी अपनी मंद हल्की सी हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी है, इसी कारण इन्हें माँ कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व भी नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार पर्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपनी ईसत हास्य से यानी कि खिलखिलाहट से हंसी के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति, आदि अधिकार आविष्कारक देवी कही गई है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं था, अतः कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रताप की समता नहीं कर सकते। इनके तेज व प्रताप से दसों दिशाएं एवं दिग दिगंतर प्रकाशित हो रही हैं। अतः संसार के समस्त भौतिक सुखों एवं धन ऐश्वर्य की कर्ता, यश वैभव समृद्धि की चाह रखने वाले समस्त साधकों के द्वारा इन देवी जी की आराधना करने पर संसार का कौन सा ऐसा सुख है जो ये भगवती पराम्बा, जगदम्बा, कुष्मांडा देवी नहीं दे सकती हैं। ये भोग और मोक्ष दोनों की ही देने वाली अधिष्ठात्री देवी हैं। कुष्मांडा देवी का ध्यान करने से, जप तप पूजन करने से साधकों को संसारिक जितने भी सुख संपन्नता को भोगने के वैभव विलासता के संसाधन हैं उनकी सहज रूप से प्राप्ति हो सकती है और देवी के लिए यह सब सहज रूप से अदेय है। इनका मंत्र जो है वह दुर्गा सप्तशती से पृथक कहीं तंत्र के रूप में लिया गया है। अतः जो भी साधक इस मंत्र का जाप करें वे सावधानी पूर्वक करें और जहाँ तक हो सके ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, पर जिन्हें बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो वे इस मंत्र को कर सकते हैं। ओम ह्रीम श्रीम कुष्मांडी देवी मम सर्वशत्रुन वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम सर्वदुष्टेभ्यो मम रक्ष रक्ष स्वाहा। यथा मंत्र अर्थात यह भगवती का तंत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र को करने की विधि भी थोड़ी सी पृथक है। यह नवरात्र के जो समय है नवरात्रि का उससे पृथक हटकर की जाने वाली क्रिया है। विधि इस प्रकार है कि अश्विनी नक्षत्र जो 27 नक्षत्रों के बीच में अश्विनी नक्षत्र आता है उस अश्विनी नक्षत्र में 4 अंगुल प्रमाण की घोड़े के पांव की हड्डी को कहीं से पहले ढूंढकर अपने पास रखें। फिर जो उपरोक्त मंत्र बताया गया है अभी जो मैंने उच्चारण करके बताया उस मंत्र से अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित करने का मतलब मंत्र को बोलता जाए और उस हड्डी के ऊपर फूंक मारता जाए, इस तरह की क्रिया को करने का मतलब होता अभिमंत्रण, अभिमंत्रित करना। अभिमंत्रित करके किसी शत्रु के घर में गाड़ देने पर या किसी प्रकार से उसके घर में डाल देने से शत्रु के द्वारा जो बहुत ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न हो रही है
ये तभी करें जब शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा हो, शत्रु के द्वारा आपकी जान जाने का भय हो, तभी इस कर्म को करना चाहिए। अन्यथा यह कर्म हमारे स्वयं के लिए ही घातक सिद्ध हो जाता है। विपत्ति काल में जब शरीर की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा की स्थिति बन जाए, तभी इस प्रयोग को करना चाहिए। तो इस प्रयोग को करने से शत्रु का उच्चाटन हो जाता है, अर्थात उसका मन अपने स्थान से उच्चाटित हो जाता है और वह कहीं अन्यत्र चला जाता है, या फिर शत्रुता का भाव त्याग कर आपका मित्र बन जाता है। और हमारा भी स्वयं का भाव यही होना चाहिए कि शत्रु अपनी शत्रुता का परित्याग करके हमारा मित्र बन जाए। और स्वयं के करने के लिए इस मंत्र से धूप दीप नैवेद्य इत्यादि भगवती को समर्पित करें इस मंत्र के द्वारा, तो हमारा भगवती कल्याण करती है। जय भगवती माँ कुष्मांडा, जय माँ दुर्गा, जय माँ कल्याणी। अधिक जानकारी इस विषय पर चाहिए तो कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष से समाधान।